अस्सलाम वालेकुम। आज हम दिखाएंगे टोपी कैसे बनाते हैं। ये है टोपी के लिए हमने कपड़ा रखा, ये है नीचे वाला साइड, ये है ऊपर वाला साइड। दो पीसेस हमने रखा है टोपी के लिए। पहले हमें लेंथ डालनी है, लेंथ है इसकी 14 इंच। यहाँ से हमें रखना है 2.5 इंच, यहाँ पे भी 2.5 इंच। यहाँ से रखना है 10 इंच, यहाँ पे भी रखना है 10 इंच। अब इसको इस पॉइंट के साथ मिलाना है, इसको इस पॉइंट के साथ मिलाना है। अब हमें ये जो है ये वाला साइड, ये हमें स्टिचिंग करना है इस नेक पॉइंट के साथ। ये है इस नेक पॉइंट के साथ हमें ये स्टिच करना है। हमने मेजरमेंट किया है, ये मेजरमेंट हमारा आता है, इस नेक का मेजरमेंट आता है 16 इंचेस। 16 इंचेस को हाफ करना है, वो बन जाता है 8 इंच। फिर हमें यहाँ पे रखना है 8 इंच पे पॉइंट। यह इस नेक का पॉइंट जो हमें आया है वो हमने यहाँ पे रखा है 8 इंच। अब हमें इसका शेप बनाना है टोपी का। अब शेप देना है हमें, वो हमें ऐसे बना करना है। इस पॉइंट के साथ मिलाना है। यह है टोपी की शेप। अब हमें स्टिच करना है। स्टिच हमें यहाँ से करना है, यहाँ तक इसी मार्क के हिसाब से स्टिच करना है। अब इस पे ऊपर वाली स्टिच करना है, टॉप वाली स्टिच इस पे करना है, इसी ऐसे करना है। इसको एक ही साइड में रखना है, फिर इस पे टॉप वाली स्टिच करनी है ऐसे। अब हमें उसके साथ इसको अटैच करना है नेक के साथ। ये है नेक का सेंटर पॉइंट, ये है टोपी का सेंटर पॉइंट। इस और इस पॉइंट को ऐसे मिलाना है। फिर हमें यहाँ पे ऐसे नीडल रखनी है। अब इसको ऐसे स्टिच करना है। 2 इंचेस हमने केसिंग के लिए छोड़ा है। ये जो हमने नॉच किया है, इस नॉच के हिसाब से हमें यहाँ से स्टिच करना है ऐसे। दोनों का सेंटर पॉइंट बराबर आना है, नेक का भी टोपी का भी। यहाँ पे भी 2 इंचेस छोड़ना है, इसी जो हमने नॉच किया इसी नॉच के हिसाब से यहाँ से भी आना चाहिए। अब हमें ये हमने यहाँ से स्टिच किया है पूरे नेक के साथ। अब इसको ऐसे स्टिच करना है, ये जो यहाँ से ऐसे। ऐसे दूसरे साइड को भी ऐसे स्टिच करना है। अगर एंटर होगा किसी के पास, इस पे हमें छोटे छोटे से कट करना है, नॉच करना है, फिर स्टिच करना है। यहाँ से हमने इसको इंटरलॉक किया है। अगर इंटरलॉक अवेलेबल नहीं होगा तो हमें फिर इसको ऐसे 1/2 इंच ऐसे मोड़ना है, फिर स्टिच करना है। यहाँ से हमें 1 इंच ऐसे रखना है, 1 इंच बाहर की तरफ रखना है।
अब हमें यहां से इसको स्टिच करना है। एक इंच इसलिए रखा है ताकि इसके अंदर से हम डोरी डाल सकते हैं। इस साइड से हमने रखा है एक इंच, यहां से भी रखना है एक इंच। अब टोपी कंप्लीट हुआ है स्टिचिंग करके। अब हमें इसके अंदर से हमें डालना है डोरी। अब देखो डोरी का मेजरमेंट कैसे लेना है। यहां से चेन तक डोरी का मेजरमेंट चेन तक हमने रखा है और एक इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। हमने डोरी डाली है, अब हमें यहाँ पे लुपी डालनी है। अब देखो लुपी का मेजरमेंट कैसे लेना है। ये कपड़ा हमें ऐसे रखना है दो साइड, यहां से रखना है ये 3 इंच, यहां से भी रखना है 3 इंच। अब इस पे हमें स्टिच करना है। अब देखो कैसे करूंगी मैं स्टिच। इसको इस कॉर्नर के साथ ऐसे रखना है, ये जो डोरी है इसको इस कॉर्नर के साथ ऐसे रखना है, फिर इस और इस कॉर्नर को ऐसे मिलाना है। यहां से फिर इसको स्टिच करना है। दूसरे साइड को भी ऐसे बनाना है, इस कॉर्नर के साथ इसको ऐसे रखना है, इस और इस कॉर्नर को इस तरह मिलाना है। ऐसे ऐसे कट करना है, ऐसे कट करना है, फिर इसको ऐसे मोड़ना है। यहां पे भी इसको ऐसे मोड़ना है। अब टोपी कंप्लीट हुई है स्टिचिंग करके। टोपी हमने दूसरे कलर की डाली है, इसी कलर की हमें पाइपिंग करनी है फेरन को।